सीएम गहलोत ने ली पुलिस की समीक्षा बैठक। सीएम गहलोत आज भी लेंगे पुलिस की समीक्षा बैठक। नरेश को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली थी, कल भी बात की थी, लंबी बैठक चली थी, 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी, लेकिन उस समय वो बैठक पूरी नहीं हो पाई थी। कुछ एजेंडे थे, कुछ प्रेजेंटेशन थे, वो बाकी रह गए थे, तो वो प्रेजेंटेशन अब शुरू होंगे। 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, यानी 2 दिन में जाके बैठक पूरी होगी। लेकिन कल जिस तरह की बैठक हुई और आज की जो बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ ये कह दिया कि प्रदेश में जो कानून का इकबाल कायम रखना है, ये पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी है, जो SP है, जिनके पास जिलों की कमान होती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। और साथ में उन्होंने ये भी जो कहा है कि जो संगठित अपराध है उन पर प्रभावी रोकथाम के लिए कानून लाने की भी तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है, और मौजूदा विधानसभा सत्र में ही इस पर कानून लाया जा सकता है। साथ में एक जो बड़ा मुद्दा उठा, कल भी आज भी इस पर चर्चा होगी, जो कारतूसों का जो अवैध बेचान है उनको लेके भी बातें हैं, वो सामने आई थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर जो है वो प्रभावी कार्रवाई हो, और साथ में जो पुलिस महकमे के सामने क्या चुनौतियां हैं उनको लेके भी बात होगी, उनकी क्या जो जरूरतें हैं, उनको किस तरह से नवीन तकनीकों से लेस करते हुए किस तरह से सुविधा दी जा सकती है सरकार के स्तर पे, क्योंकि सरकार ने जो पुलिस विभाग के लिए, गृह विभाग के लिए काफी अच्छा बजट पहले भी दिया था, अब भी जो बजट होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, तो उससे पहले भी एक फीडबैक मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं कि पुलिस महकमे को किस तरह की जरूरतें हैं ताकि बजट में उसकी घोषणा की जा सके। लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वो यही है कि प्रदेश में कानून का इकबाल है वो कायम रखा जाए, और कुछ जो संवेदनशील जिले जिनको हम कह सकते हैं, जहाँ अपराधों की संख्या औसतन ज्यादा है अन्य जिलों की बजाय, खासकर पूरी राजस्थान की बात करें, मालवा की बात करें, भरतपुर की, धौलपुर की, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है। इसके अलावा तो सीमावर्ती जिले हैं जहाँ पे नशीले पदार्थों के कारोबार की भी बात सामने आती है, कई तरह के संगठित अपराधी हैं वो भी काम करते, खासकर शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, तो ये इन किस तरह से इन पर लगाम लगाई जा सके, और साथ में लोगों को या जो पीड़ित है उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस को किस तरह से अपने कर्तव्य की पूरी निष्ठा के साथ पालना करनी है, इनको लेके भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 2 टूक बात कल की मीटिंग में कही है। आज की जो बैठक है जो कुछ देर बाद ही शुरू होनी है, उसमें भी जो विभिन्न प्रेजेंटेशन जो बचे थे कुछ SP के, कुछ विभाग के, उन प्रेजेंटेशन को रखा जाएगा, और इसके जो 2 चीजें निकल के जो सामने आएगी, एक तो पुलिस को किस तरह से काम करना है, और दूसरा पुलिस की क्या जरूरतें हैं, उन जरूरतों के हिसाब से क्या बजट घोषणाएं करनी। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी।